स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजू। कैसे हैं आप सब? आशा नहीं, विश्वास है अपने अपने घरों में आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूं। तो चलिए, आज मैं क्या लेकर के आई हूं? तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूं, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैं अपने बच्चों के स्किन केयर के लिए या हेयर के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूं डे टू डे लाइफ में। और मैं जन्म के साथ ही मैं बच्चों को यही सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो आज तक कर रही हूँ। जैसा आप जानते हैं कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा जो है वो 8 ईयर्स का है, बेटी जो है वो 6 ईयर्स की है। तो मैं जन्म के बाद ही एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दी थी कि मेरे बच्चों की स्किन के साथ कौन सा सूटेबल जाता है। तो मैं बता दूँ, मेरे बच्चों का स्किन जो है सेंसिटिव तो सारे बच्चों के होते हैं, तो मेरे भी बच्चे के सेंसिटिव स्किन है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रैशेज़ की प्रॉब्लम उन्हें भी होती है। तो मैं इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं मार्केट में, तो सारे चीज़ों को मैं ट्राई करने के बाद ही कुछ चीज़ें मैं सेलेक्ट की हूँ जो मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करती हूँ और यूज़ करती आ रही हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ बताएं कि आप अपने बच्चों के लिए कौन से सोप, कौन से लोशन या कौन से फेस क्रीम यूज़ कराते हैं, तो बताइए आप। तो मैं आज वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, बिना देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो को। तो जो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट ले रही हूँ वो है शैम्पू, ठीक है। यूज़ करना स्टार्ट किया, अभी तक मैं इसी को करती आ रही हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये हिमालय का शैम्पू है, ठीक है। और दूसरा, हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ जॉनसन्स का बेबी हेयर ऑयल। देखिए, हमेशा से मैंने यही यूज़ किया है। मैं पहले जॉनसन्स की सारी प्रोडक्ट यूज़ करती थी, लेकिन मैं सिर्फ हेयर ऑयलिंग ही इसकी यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के हेयर्स के लिए। तो इससे मसाज करने के बाद आधे एक घंटे के बाद मैं उसे हेड वॉश कराती हूँ। तो ये जो है जॉनसन्स का हेयर ऑयल मुझे बहुत पसंद है, जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम आते हैं, अभी समर सीजन है तो कभी कभी बच्चों को जो है स्वेटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं पाउडर बच्चों को नहीं यूज़ करने के लिए बोलती, चूँकि इससे स्किन ड्राई होता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि काफ़ी स्वेटिंग आती है, तो बच्चों के लिए कभी कभी माइल्ड पाउडर होना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी हिमालय ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये हिमालय हो गया। उसके बाद जो है, अब आता है बेबी क्रीम, फेस क्रीम। तो बेबी फेस क्रीम के लिए मैं, ये देखिए, हिमालय का, फिर से मैं हिमालय के प्रोडक्ट ज़्यादा बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। तो यह हिमालय का प्रोडक्ट है और मैं अपने बच्चों का जो फेस क्रीम के रूप में इसी को यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि बॉडी मसाज। तो बॉडी मसाज के लिए मैं हमेशा, ये देखिए, फिगारो जो ऑलिव ऑयल है, इसी को यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल भी मतलब आप क्या बोलें इसको कि ऑर्गेनिक है, और इसका जो स्मेल है वो भी आपको उसी से पता चल जाएगा कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और मैं मतलब बच्चा जब मेरा बहुत छोटा था, बर्थ के बाद ही मैंने इसी को यूज़ करा है, और ये बहुत ही अच्छा, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये, इसको मैं हमेशा रखती हूँ, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ कभी कभी जब मेरा मन होता है। हमेशा जब सर्दियों में जो स्किन का प्रॉब्लम होता है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ड्राई होने लगती है स्किन, तो मैं इसको ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो ये मैं हमेशा बच्चों की स्किन के लिए, मतलब बॉडी मसाज के लिए हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ, जो कि है, आप देख सकते हैं, फिगारो। तो अब जो है, अभी बहुत सर्दी हो या गर्मी हो, कभी कभी बच्चों को रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में, चेहरे पे आप देखेंगे हल्का हल्का दाना दाना, या बच्चे कभी कभी होता है ना कि रंग भी उनका थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। तो मैं उसके लिए, आप देख सकते हैं कि ये क्रीम यूज़ करती हूँ। ये मैं डॉक्टर के सलाह से कर रही हूँ, और मैं भी कभी कभी करती हूँ जब मेरा भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की मुझे फेस में दिक्कत होने लगती है, तो मैं इस जो ट्यूब को यूज़ करती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको यूज करती हूँ। उसके बाद बारी आती है कि सोप कौन सा यूज करती हूँ। तो सोप के लिए मैं, यहाँ पे खत्म हो चुका है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं न्यू अभी नहीं लाई हूँ। तो देखिए, ये अभी खत्म हो गया है, जैसा आप देख सकते हैं,
देख सकते हैं कि ये जो है फिर से हिमालय का जो है सोप यूज़ करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। अभी लोशन यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, लोशन यूज़ करती थी लेकिन सोप भी साथ में रखती थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अगेन मैं हिमालय का ही लोशन यूज़ करती हूँ और ये जो है हिमालय का ही सोप है और अभी ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद यदि मेरे पास बिल्कुल भी सोप नहीं होता है तो उसके बाद मैं ये पियर्स जो है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो मैं ये भी बच्चों को, ये भी बहुत जेंटल और बहुत ही अच्छा है, तो प्योर ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल के साथ ये बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यदि सोप ख़त्म हो जाए और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो मैं इसी सोप के साथ अपने बच्चों को साफ वॉश करती हूँ, नहलाती हूँ। उसके बाद जो आता है और भी बेबी केयर के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, कभी कभी होता है ना, मैं जो बच्चों के ईयर्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी डस्ट से भर जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, उसके लिए ये देखिए मैं यही बर्ड्स यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगेन ये जॉनसन्स का बर्ड्स है, आप देख सकते हैं, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी रखें, बच्चों के नोज़ को कभी कभी क्लीन करना हो या ईयर को क्लीन करना हो तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगेन मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूँगी कि ये जो डिटॉल है ना बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हम अपने बच्चों को नहलाएं तो पानी एक एक या दो ड्रॉप आप डिटॉल का जरूर डालें। मैं बच्चे के कपड़े को जब भी बचपन से, जब भी छोटे बच्चों का भी मैं वॉश करती थी तो मैं उसमें डिटॉल ज़रूर यूज़ करती थी और अगेन अभी तक मैं डिटॉल ज़रूर यूज़ करती हूँ। जब भी कपड़ों को वॉश करें दो बूंद उसमें डिटॉल डाल दें, या बच्चे को नहलाने के लिए जो भी आप पानी का यूज़ करते हैं तो आप अपने ये में टब में थोड़ा सा दो बूंद डिटॉल अगेन डाल दें उसके बाद। तो इससे क्या होता है कि कीटनाशक है डिटॉल, आप लोग सभी जानते हैं। फ्रेंड्स अगेन मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने नेल कटर को उससे यूज़ ना कराएं। देखिए एक छोटी सी नेल कटर मार्केट में आती है, तो आप इसे यूज़ करें अपने बच्चे के लिए। तो आई होप आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं जब बहुत छोटा था, जन्म के साथ ही जब उसके नेल्स बढ़ जाते थे उसी समय से मैं ये छोटी सी नेल कटर यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए और ये अभी तक मैं इसी से करती हूँ। तो मैं कभी भी जो हम यूज़ करते हैं उसी नेल के साथ उसके नेल्स को नहीं कट करती हूँ, उसी नेल कटर के साथ मैं उसके लिए एक छोटी सी नेल कटर अलग से रखी है। तो आप भी ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी। तो चलिए यही था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल बेल वाली बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है, तो कभी कभी मैं वीडियो 2 से 3 दिन हो जाते हैं तो नहीं आते हैं, यानी तो आप फिर ऑल बेल को प्रेस नहीं किया होगा इसलिए नहीं जाते हैं। तो चलिए आप ऑल बेल को प्रेस कर लीजिए और फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।